हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 21 फरवरी। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिनको देखो बुक्स वगैरह मंगानी होगी, मैंने यहाँ पे बुक्स की डिटेल डाल रखी है। ठीक है, तो इंडिया 2020 जिन बच्चों को लेनी होगी, ठीक है, भारत 2020 जिसको बोलते हैं, जिनको इंडिया 2020 लेनी होगी उसकी भी मैंने डिटेल में डाल रखी है। महर्षि जी की किताब है। ठीक है, तो बेसिकली बात करें दोस्तों, वो एक अभी CAG भी है हमारे, कैग भी है, तो एक प्रॉपर IAS भी रहे हैं वो। ठीक है, राजस्थान कैडर में उन्होंने अपनी जॉब की है, तो उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स है। अच्छी चीज़ उस बुक के बारे में क्या दोस्तों, कि उन्होंने करंट के जो टॉपिक्स होते हैं ना, करंट को भी इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो स्टैटिक के साथ साथ इन्होंने करंट को भी इंक्लूड किया। तो जिनको भारत 2020 मंगाना होगा, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों की डिस्क्रिप्शन लिंक में डिटेल डाल रखी है। उसके अलावा जिनको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, सारी सारी किताबें मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखी है। ठीक है, और जिनको वीडियो पैक वगैरह लेना होगा दोस्तों, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पैक के बारे में तो लगभग सबको पता ही है। ठीक है, देखो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया दोस्तों, अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो। ठीक है, हमारा क्रैश कोर्स है करंट अफेयर का, वो ले सकते हो। पॉलिटी की पैकेज है, ठीक है, द हिंदू का एडिटोरियल का पैकेज है, इसके अलावा हमारी एनसीईआरटी के पैकेज है, तो आप जो भी चाहे ले सकते हैं। कंबाइंड पैकेज भी इसको हमने कॉम्बो बना के लॉन्च कर रखा है, तो आप इसको चाहे तो लास्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आईएएस प्रीलिम्स का एग्जाम डेट कब है, 31 मई 2020 को है। ठीक है, तो आज कितने डेज रह गए हैं दोस्तों, अगर आज की डेट से कितने दिन रह गए हैं अगर बात करें, तो टोटल आपके पास 100 डे है। इस 100 दिन में आप जो करना चाहें वही कर सकते हैं, आपके पास इतना ही टाइम है, लिमिटेड टाइम है। अभी पूरा जोर लगा दो, अगर आप अभी 6 घंटे पढ़ते थे तो आपको 10 घंटे तक इसको खींच के ले जाना है, तो आज से लगिए और 100 डेज तक लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। कोई फ्रेंड की शादी नहीं, कोई दोस्त की शादी नहीं, कहीं जाना नहीं, सब बंद कर दो 100 डेज के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, तो हमारे प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक ग्रुप का गठन किया है, जिसको हम बोलते हैं प्रौद्योगिकी ग्रुप। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ग्रुप की अगर बात करें, प्रौद्योगिकी ग्रुप की बात करें, तो देखो ये एक तो याद रखिए संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब संवैधानिक का मतलब हमारे संविधान में लिखा गया है, बस इसका गठन किया गया। कितने मेंबर हैं इसमें, ये नंबर याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा भी जा सकता है। इसके अलावा इसका पर्पस क्या है, तो बेसिकली बात पर्पस है कि देखो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और इसको कहाँ कहाँ हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बेसिकली ये पर्पस है हमारा। ठीक है, और देखो ऐसा नहीं है कि इंप्लीमेंट एक ही क्षेत्र में, जितनी भी रोड मैप हमें मिलने हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, चाहे वो टेक्निकल क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे स्वदेश में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी जो हम उपयोग में कर सकते हैं, बेसिकली उसका मैपिंग बनाने के लिए ये प्रयोग में लाए जाने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली बात करें देखो, इसके 3 स्तंभ रखे गए हैं। कौन कौन सा, एक तो पूंजीगत सहायता, इसको पूंजीगत सहायता भी दी जाएगी, अगर आपके पास कुछ भी इनोवेटिव है, कुछ खरीदना चाहते हैं, तो उस सब के लिए सहायता दी जाएगी आपको। तो पूंजीगत मतलब पैसे भी दिए जाएंगे, खरीदारी के लिए भी सहायता दी जाएगी, और अनुसंधान और विकास का इसमें इसमें क्या है प्रस्ताव है, आपको इसके लिए मदद भी की जाएगी। तो बेसिकली ये टर्म्स याद रखिएगा, तीनों टर्म्स आपके प्रीलिम्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये आपसे ये प्रीलिम्स से पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इतने भी चीजें बेसिक है जो आपको याद रखनी थी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों SPICE+ की। बेसिकली देखो एक ये वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट वाली फॉर्म है। बेसिकली इसमें क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे इसके बारे में हम जस्ट पढ़ेंगे अभी। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के देखरेख में ये लागू किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन अफेयर्स के बारे में। ठीक, याद रखिएगा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो ये बेसिक से याद रखेंगे। प्लस ये एक वेब फॉर्म है, ये यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, आप देखो इसका काम क्या है, बेसिकली तो फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म यहाँ से आप आ जाता है इसका, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, तो इसको हम बेसिकली ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो आपको ये पूरा फुल फॉर्म नहीं देगा कि सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, ये नहीं लिख के पूछेगा आपको, सीधे स्पाइस प्लस लिख के भेज देगा। ठीक है, तो देखो जनरली लोग क्या मिस्टेक करेंगे, अगर स्पाइस प्लस लिख दिया तो लोगों को लगेगा कि कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, साइंस टेक्नोलॉजी में चले जाएंगे। ठीक है, तो यूपीएससी का जो पेपर सेट करता है ना, उसके उतने पता उसको इतना पता है कि लड़के क्या क्या सोच सकते हैं। बेसिकली कह देगा एक मसाला है, ये एक मसाले का प्रकार है, MDS मसाले जैसा। ठीक है, दूसरा कह देगा कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिसाइल है। ठीक है, फिर कह देगा एक डिफेंस सिस्टम मिसाइल है, ऐसा DRDO ने जिसको लॉन्च किया है। और चौथा ऑप्शन क्या देगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया एक वेब पोर्टल है। अब आप जब इसको नाम पढ़ोगे ना, तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो सबसे पहले नहीं हो सकता। आप एक बार देखो ना स्पाइस प्लस, अगर आप इसको पढ़ लो ऐसे, तो आपको क्या लगेगा मसाला, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी यूपीएससी को, उसको लगेगा यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, स्पाइस से रिलेटेड कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अगर इसको नहीं पढ़ा होगा, तो उनको जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उनको लगेगा कुछ तो या तो इसरो से हो सकता है या तो DRDO से हो सकता है, ऐसे ही सोचोगे आप। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यूपीएससी को सब कुछ पता है कि आप कितने पॉसिबल तरीके से सोच सकते हो। और प्रीलिम्स का पर्पज याद रखिएगा, प्रीलिम्स का दोस्तों बस इतना ही पर्पज होता है कि नॉन सिंसियर स्टूडेंट्स को बाहर करना।
याद रखिएगा, जो नॉन सेंसियर स्टूडेंट्स है दोस्तों उनको बाहर करना है, बाहर का रास्ता दिखाना, बस इतना ही काम है। प्रीलिम्स आपकी नॉलेज चेक नहीं करता, प्रीलिम्स आपकी सिंसियरिटी चेक करता है कि कितने सिंसियर हो कि आप एग्जाम दे रहे हैं, कितने सिंसियर है आप अपनी एजुकेशन को लेके। ठीक है, अब बात कर देखो अगर स्पाइस प्लस की, तो देखो बेसिकली लोग क्या करेंगे दोस्त, सपोज करो आपको कंपनी खोलनी है, ठीक है, तो कंपनी खोलने के लिए आपको पैन चाहिए, बैंक खाता खोलना है, जीएसटी नंबर चाहिए, ये सारी चीज़ चाहिए, राइट। तो आप क्या करोगे, पैन कार्ड के लिए, पैन के लिए अप्लाई अलग से करते हो, बैंक खाता खोलने के लिए बैंक जाओगे, जीएसटी लेने के लिए अलग से जाते हो। अब ये कंपनियां ही क्या करेंगी आपके लिए, सारा काम कर देंगी, कंपनी खुलवाने से लेके पैन कार्ड बनवाना, खाता खुलवाना, जीएसटी नंबर लेना, ये सारे काम ये क्या करेंगी एक ही पोर्टल से कर सको, किससे, स्पाइस प्लस से। तो यहाँ से सारे काम एक ही साथ कर सकते हो, मतलब आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली इसका ये पर्पज है। और इन तीन मंत्रालयों के लिए काम करेंगी, तो देखिए तीन मंत्रालय प्लस एक विभाग के लिए काम करेंगी, जिसका हमारा स्टेट है, जो राज्य सरकार उसके लिए काम करेंगी। तो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के लिए तो काम करेंगी करेंगी, ठीक है, श्रम मंत्रालय के लिए करेगी, प्लस वित्त मंत्रालय के लिए काम करेंगी, उसके अलावा एक स्टेट के लिए भी काम करेंगे जो आपका है महाराष्ट्र, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, अब ये क्यों किया जा रहा है, देखो बेसिकली पर्पज क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें क्या है कि हमें इसको अपने रैंक को और सुधारना है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है, देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब आ गया यहाँ पे, तो एक नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो करंट अफेयर पढ़ते होंगे, इवन एक दिन में लाखों लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे, राइट। लेकिन प्रीलिम्स कितने का निकलने वाला है, अप्रॉक्स 10 से 12 हज़ार। अभी 10 से 12 हज़ार में कैसे आप आएंगे, इसका तरीका समझाता हूँ। 10 से 12 हज़ार में दोस्तों आप ऐसे आएंगे कि आपने पूरी कहानी तो यहाँ पढ़ ली, सर ऐसे ऐसे आपने पढ़ा दिया, ये पढ़ लिया, लेकिन इनका पर्पस क्या है, बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी इसके तहत लॉन्च किया गया, तो हमारी इसमें रैंकिंग और सुधार करना है। अभी 63 रैंक है, ठीक है, अभी हमने 70 से सीधे डायरेक्टली इस पे छलांग मारी थी, ठीक है। तो जस्ट इसको अगर हम देखें तो आपको देखो एक चीज और यहाँ पे करना चाहिए, जो अगर सेंसियर स्टूडेंट्स होगा तो मैं तो कहूँगा कि पूरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही पढ़ लो कि भारत का 2019 में रिकॉर्ड क्या रहा है, और इसके 10 इंडिकेटर होते हैं, वो 10 इंडिकेटर क्या होते हैं। अब देखो यूपीएस जब हमारा 100 से हम डायरेक्टली 30 रैंक हमने जब सुधार किया था, तो सब यही रटने में बैठ गए कि हमारा रैंक कितना हुआ है, कितना किसने रिपोर्ट निकालता है, कौन रिपोर्ट निकालता है, भारत की रैंक कितनी है। लेकिन यूपीएससी ने 2019 के प्रीलिम्स में क्या पूछा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 10 इंडिकेटर होते हैं, जिसको क्या करते हैं, मानक मानते हैं, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, देखिए अब नॉर्मली बच्चे क्या पढ़ लेते हैं, नॉर्मली बच्चे ये पढ़ लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक रिकॉर्ड, रिपोर्ट कौन निकालता है, देखो वर्ल्ड बैंक निकालती है, पढ़ना जरूरी भी है, जस्ट आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 की लॉन्च हुई, जिसमें भारत की रैंक कितनी थी, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। इसके 10 डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए ऐड कर रखा है, ठीक है। तो बेसिकली 12 मंथ में देखते हैं कि कहाँ कहाँ आपने किस किस फील्ड में अच्छा काम किया है, उसके बेसिस पे आपको 100 में से नंबर देते हैं, ठीक है। हर का 10-10 वेटेड होता है, 10-10 नंबर होते हैं, इस 10-10 में से आपको नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। सब में जितने हैं सब में 10-10 नंबर मिलते हैं, 10 में से आपको नंबर मिलते हैं। देखो अगर बात अब यहाँ पे देखो, ठीक है, इंडिया की 2018 में रैंक कितनी थी, 77 थी। अब उसके बाद 14 प्लेसेस का हमने छलांग लगाया, कितना आया हमारा 2020 में रैंक, 2019 में मतलब 63 आई है, ठीक है। अब 63 के लिए देखो इसमें हमने कितना इंप्रूव किया, पहले हमारा जो टोटल स्कोर था 100 में से वो था 67, और टोटल अभी स्कोर कितना है, 71। अब देखो लोग क्या पढ़ेंगे, लोग वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लेंगे, कौन निकालता है, भारत का रैंक कितना है, पिछला कितना था, यहाँ तो पढ़ लोगे, कितने लोग तो ये भी नहीं पढ़ेंगे कि इंडिकेटर में कितना हमारी पोजीशन। तो देखो यहाँ पे जो लोग कम पढ़ेंगे यहाँ पे यूपीएससी के पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा ये इंडिकेटर्स पूछ लिया यूपीएससी ने 2019 के प्रीलिम्स में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब भारत 77 रैंक पे आता है, लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी लेकिन इंडिकेटर लोग मिस कर देते हैं। तो आपका काम क्या है, इंडिकेटर पढ़ना, कि कौन कौन से मानक पे ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो देखो ये चेक किया जाता है कि आपकी कारोबारता कितनी अच्छी है, ठीक है, सुगमता कितना है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी जल्दी प्राप्त कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन तो कितना जल्दी कर सकते हो, कोई लोन कितने जल्दी आपको मिल सकता है, ठीक है। निवेशकों की रक्षा कितनी है, अगर आप इंडिया अगर यूएसए कोई कंपनी इंडिया में आकर निवेश कर रही है तो कितना सुरक्षित है, ऐसा तो ना कि उसका पैसा डूब जाएगा, राइट। फिर कर पेइंग टैक्सेस, टैक्स कितने अच्छे हैं यहाँ पे, कितना ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, टैक्स लेना कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं है। टेनी अक्रॉस द बॉर्डर पूछा जाता है कि आप एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर जाने के लिए आपकी कितनी सहूलता है, ये पूछा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट टू कितनी इन्फोर्समेंट कितना अच्छा है, ठीक है, लेबर लॉ कैसे, ये सब देखा जाता है। प्लस अगर आप दिवालिया हो गए तो आपके लिए कानून कितना अच्छा है, आपको यहाँ से दिवालिया हो गए तो बाहर निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिकली इस चीज़ की जाती है। देखो तो याद रखिएगा, कारोबारी सुगमता ही बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंग्लिश में, तो बेसिकली याद रखिएगा, ठीक है। और यह रिपोर्ट क्या बताता है बेसिकली, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, रिपोर्ट बेसिकली हमें ये बताता है कि बिजनेस करने के लिए वो देश कैसा है, बेसिकली ये रैंक आपके ही बताता है। तो बिजनेस करने के लिए सबसे बढ़िया देश कौन सा है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जाइए दोस्तों, आपको एक ही दिन में पैन कार्ड मिल जाएगा, आधार कार्ड इनका जो भी इनका मतलब इनके यहाँ का होता है, सारे जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं, प्रोसेस होता है, सब एक दिन में ओके।
सुबह आप अप्लाई करिए, शाम तक आप कंपनी खोल के बैठ जाइए। बेसिकली ये न्यूजीलैंड में कहानी है। तो देखो ऐसी कंट्री होनी चाहिए ना, आप एक बार सोचो कि अगर आपको शाम को दिमाग में आइडिया है कि मैं कंपनी खोलता है, सुबह अप्लाई करो, शाम तक सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए, आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाए और आप अगले दिन से बिजनेस स्टार्ट कर सको। ऐसा होना चाहिए, ऐसी हमारी इंडिया भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पॉइंट सोच के रखना है। अब देखो इससे कल ही हमने पढ़ा था क्या इज ऑफ डूइंग हज, पूरी कहानी बताई है। आप देखो कहाँ से कहाँ इंटरलिंक चीज़ें होती हैं। हो सकता है यूपीएससी इज ऑफ डूइंग आप हज पढ़ रहे हो और इज ऑफ डूइंग बिजनेस की डिटेल पूछ ले, या इज ऑफ डूइंग बिजनेस डिटेल पूछ रहे हो, इज ऑफ डूइंग हज पूछ ले। तो देखो एक मैंने कल आपको सारा ये रिविजन करा दिया था। ठीक है, कल एक बार पढ़ा रखा था पूरा यूपी हमारे इंडिया क्या कर रही है हज के लिए, जो हज की यात्री हैं इनके लिए सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, रहने की व्यवस्था से लेके वीजा से लेके सब कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड करा रही है, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो ई मसीहा करके चिकित्सा के लिए भी क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है। तो देखो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको रटने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूपीएससी में रटना नहीं पड़ता, मेरा ये मानना है कि यूपीएससी बिना रटे हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप याद कर ही नहीं सकते, आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली याद रखिएगा। राइट, अब बात करते हैं दोस्तों बोल्टे के यूज की बात करें तो देखो एक एक्चुअली तारा है। बेसिकली हुआ क्या, चर्चा में क्यों है, चर्चा में दोस्तों इसलिए है कि देखो इसके जो लाइट है ना 2019 में दोस्तों ऐसी दिख रही है। ठीक है, और दिसंबर 2019 में ऐसी थी। तो बेसिकली क्या है कि इसका जो लाइट है ना वो कम होता जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या है, थोड़ा सा इसका जो व्यवहार है ना वो चेंज हो रहा है। व्यवहार चेंज होने की वजह से क्या होता है, जब किसी का लाइट कम या ज़्यादा होता है तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा अगर रेपिडली चेंज होने लगे तो इसका मतलब होता है कि उसमें विस्फोट होने वाला है। ठीक है, वैज्ञानिक ये बेसिकली मानते हैं। अब हो क्या रहा है, वैज्ञानिक ने सुपरनोवा का क्या क्या अध्ययन किया, इन्होंने कहा कि ये आने वाले 1 लाख साल तक विस्फोट नहीं करेगा। ठीक है, इनको पता है कि 1 लाख साल तक विस्फोट नहीं करेगा, लेकिन जो उसके लक्षण है वो ऐसा लक्षण है जैसे कि विस्फोट करने वाले तारे का होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए थोड़ा सा चर्चा में है। तो ये बस नाम याद रखेंगे क्या है, एक तारा है बस याद रखेंगे, इसलिए आपको एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट यूपीएससी डायरेक्टली पूछ देगा। ठीक है, कि आपका वोल्टेज यूज क्या है, तो जस्ट आपको पूछ ले तो आप ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें बस याद रखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहता है। कला कुंभ की बात करें दोस्तों, तो ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया, जिसमें जीआई टैग मिलेगा। ठीक है, और इस जीआई टैग के अंदर दोस्तों बेसिकली पर्पज क्या है कि जो हमारी विरासत है ना उन सबको क्या करना, बढ़ावा देना। तो भारत की जितनी विरासत वाली चीज़ें हैं उनको क्या करेंगे, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। ठीक है, हो सकता है किसी परंपरा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें पढ़ने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आप पढ़ने के लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो जीआई टैग क्या होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग मैंने बताया था किसी एक विशेष लोकेशन में जो चीज़ें पाई जाती है उसको जीआई टैग दिया जाता है। जैसे मैंने बताया था बनारसी साड़ी, राइट, तो उसका जीआई टैग मिला हुआ है। तो बनारस में ही वो एक्चुअली साड़ी बनती है, बेसिकली उसको हम कहते हैं बनारसी साड़ी। बेसिकली भौगोलिक संकेतक का मतलब होता है कि उस किसी स्थान विशेष में वो चीज़ पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, बेसिकली इसका पर्पज ये होता है। ठीक है, और इसका आयोजन कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा ईपीसीएच कर रहा है, एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसलिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। तो बेसिकली क्या है कि हैंडीक्राफ्ट्स जितने हैं ना, हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है हस्तशिल्प का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे तमिलनाडु अगर हम देखें लकड़ी के खिलौने हाथ से बहुत सुंदर सुंदर बनाए जाते हैं, तो उसको जीआई टैग देना। ठीक है, अगर सपोज करो यूपी में कोई ऐसी चीज़ है जो मटके वगैरह सुंदर बनाते हो तो उनको जीआई टैग देना। बिहार में कोई ऐसी चीज़ हो जो पेंटिंग वगैरह हाथ से बनाते हैं, मधुबनी पेंटिंग, उसको जीआई टैग देना। तो इससे क्या होगा कि वहाँ के देखो आप उसको ऑनलाइन भी बेच सकते हो, अमेजोन पे बेच सकते हो। ठीक, राइट, तो देखो आप आज के टाइम पे बात करें तो देखो ऐसा नहीं है कि जहाँ आप बनाते हो वहीं भी बेच सकते हो। अगर आप बिहार में बनाए तो बिहार में ही नहीं बेच सकते, बिहार के बाहर कहीं अगर तमिलनाडु में कोई बैठा है तो वो भी अमेजोन से ऑर्डर कर सकता है, यहाँ से आप कोरियर होगा, यहाँ से इसके पास चला जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जिसको इंटरलिंक कर सकते हो। तो देखो ये मेला वगैरह कहाँ आयोजित हो रहा है, 4 राज्यों में आयोजित होगा, 4 जगहों पे, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। शुरू में अगर 14 से 23 की बात करें तो बंगलुरु और मुंबई में आयोजित हो रहा है, उसके बाद मार्च में होगा दोस्तों कोलकाता में आयोजित और चेन्नई में आयोजित होगा। अब आपके लिए काम क्या है कि इन चारों स्टेट का पोस्टमार्टम करोगे, बेसिकली ये चारों कैपिटल है तो जिनके जो भी स्टेट हैं। ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। अब आपका काम है इसका पोस्टमार्टम करना, पूरी स्टेट की डिटेल पढ़ना। ठीक है, तो थोड़ा सा काम आपके लिए भी रहेगा। अब दीनदयाल बंदरगाह थोड़ा सा चर्चा में है, उसका रीजन ये कि देखो डोनाल्ड ट्रंप 24-25 फरवरी को आ रहे हैं। एक्चुअली पपरावा एक द्वीप है यहाँ पे, तो वहाँ पे एक सेटेलाइट फ़ोन मिला। सेटेलाइट फ़ोन क्या होता है थोड़ा सा ये भी जान लो। देखो जो नॉर्मली आप हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है, जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं वो जनरली क्या होता है कि हमारे पास एक सेलफोन होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कॉल करते हैं तो एक नेटवर्क से जाके कनेक्ट होता है। तो यहाँ से हमारी कॉल क्या होती है, जिस नेटवर्क से जाके कनेक्ट होती है, मान लेते कोई पर्सन यहाँ पे है, ठीक है, इसके पास मोबाइल है, तो इसके आसपास में जो सबसे पास का सैटेलाइट होगा, मान लेते जियो जियो पे कॉल कर रहे हो, तो ये क्या करता है, ये सैटेलाइट से संदेश यहाँ जाता है, फिर ऊपर क्या होती है सैटेलाइट होती है। ठीक है, तो ये सिग्नल यहाँ से सैटेलाइट पे जाता है, फिर ये सैटेलाइट खोजती है कहाँ आप कॉल कर रहे हो। मान लेते हैं आपने दिल्ली से कॉल किया, कहाँ पे, यूपी में,
राइट। तो ये आपके पास में जियो वाला सबसे नजदीक वाला टावर, इसके पास सिग्नल जाता है, ये सिग्नल क्या करता है सेटेलाइट को भेजता है, फिर ये सेटेलाइट कनेक्ट करती है जहां पे जिस पर्सन को कॉल कर रहे हो उसके नजदीकी जो जियो का सेटेलाइट है वहां पे भेजती है, फिर ये सेटेलाइट क्या करते हैं आपके पास सिग्नल भेजती है, फिर आपके पास घंटी बज जाती है। सुनने में बड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन ये विद इन सेकंड काम हो जाता है, एक मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये काम होता है। अब जनरली क्या होता है, हम ये बात करने के लिए ये सारे माध्यम अपनाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम टावर से अगर दूर है तो हमारे सिग्नल्स नहीं आते हैं, राइट। ये अगर टावर से दूर है तो इसकी आवाज़ कट के आती है, राइट। और पता चले कि टावर बहुत दूर है तो हमारे यहाँ सिग्नल नहीं मिलता, या फिर यहाँ पे देखो हमेशा दिक्कत यहीं से होती है, हमारे फोन से मोबाइल हम टावर के स्टेशन के दूर की, बस यहाँ पे दिक्कत कम होता है, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत कम। कभी कभी मौसम खराब होता है तो सेटेलाइट से सिग्नल कम आते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम या बदली के मौसम में भी कभी कभी देखोगे तो टावर के पास खड़े रहते हो तब भी क्या होता है इंटरनेट का इशू हो जाता है। ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली, ठीक है। अब काम का इसमें और क्या रह गया, बेसिकली जो सेटेलाइट फोन होते हैं दोस्तों ना, सेटेलाइट फोन का क्या होता है, आपके पास मोबाइल है, ठीक है, इसके पास मोबाइल था, तो आप जब कॉल करते हैं ना डायरेक्टली, जैसे आप यहाँ से जब कॉल करते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी तक तो हमने जैसे नॉर्मल हमारा मोबाइल कैसे काम करता है ये हमने समझ लिया, अब यही फोन आपके पास है जो है सेटेलाइट फोन, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पर्सन को कॉल किया जो यूपी में बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपने यहाँ से कॉल किया इसको, अब ये क्या करता है, इस जाना चाहिए था कहाँ पे, इस टावर के पास, तो यहाँ ये नहीं जाता है, डायरेक्टली कहाँ जाएगा, सेटेलाइट फोन जाएगा सेटेलाइट के पास, इस सेटेलाइट से फिर यहाँ पे जाएगा, टावर का कॉन्सेप्ट बीच से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब सेटेलाइट टू सेटेलाइट बात करेंगे हम, हमारा कोई बीच में मीडिएटर नहीं होगा, कोई कंपनी नहीं होगी, हमारे यहाँ सिग्नल डायरेक्टली गया सेटेलाइट को, सेटेलाइट से हम डायरेक्टली बात करेंगे, इसमें सिग्नल की जरूरत पड़ी नहीं, ये वाला जो सेटेलाइट का सिग्नल है बस उसकी यूज किया हमने। और इसमें स्ट्रॉन्ग इस सिग्नल कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा, स्ट्रॉन्ग मतलब अगर आपको मैं जमीन के अंदर भी गाड़ दूं यहाँ पे, ठीक है, आपको जमीन के अंदर भी तहखाने में भेज दिया जाए तब भी इसका सिग्नल अंदर मिल जाता है। तो आप देखिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, वो कैसे फोन यूज करते हैं सेटेलाइट्स, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये लोग जब आसमान में भी उड़ते रहते हैं, फ्लाइट्स में उड़ते रहते हैं, तब भी इनके पास क्या होता है, नेटवर्क रहता है, नेटवर्क मोबाइल का रहता है, क्यों, क्योंकि वो लोग सेटेलाइट फोन यूज करते हैं। बेसिकली जो हमारे यहाँ आप नॉर्मल यूज करोगे, आप अगर फ्लाइट में जा रहे हो, राइट, अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो दोस्तों, तो आपका नेटवर्क ही क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है, तो आपको नेटवर्क ही नहीं मिलेगा, इवन वाईफाई नेटवर्क कुछ नहीं मिलता है, जबकि जो आपको जो हमारे जैसे पीएम हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इनके पास सेटेलाइट फोन होते हैं, इंटरनेट होता है, सब कुछ सुविधाएं होती है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली सेटेलाइट से कनेक्ट होता है। और सेटेलाइट कहाँ से आ रहा है, सेटेलाइट देखो ऊपर से आ रहा है, अगर आप प्लेन उड़ाते हो तो सेटेलाइट से ऊपर तो नहीं जाते हैं, प्लेन आपका यहाँ उड़ता है, लेकिन आपका नेटवर्क कहाँ लगा होता है, जमीन पे लगा होता है। तो देखो आप जब फोन करोगे तो आप ऊपर हो जाओगे, जबकि आपका टावर कहाँ चला गया, नीचे चला गया, और उसका रेंज कितना है, ऐसे नीचे का, ठीक है, तो उसका एक फिक्स रेंज होता है, उस रेंज से आप बाहर चले जाते हो तो हमारा टावर गायब हो जाता है। बेसिकली ऐसे काम होता है पूरा सेटेलाइट्स का, थोड़ा टाइम हमने ले लिया, लेकिन आपने यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे जो शायद आपको पता भी नहीं रहा होगा पहले का, ठीक है। तो देखो बहुत सारे बच्चे ये भी दिमाग में आ सकते हैं, सर हम फ्लाइट में होते हो तो हमारा नेटवर्क गायब क्यों हो जाता है, गायब इसलिए हो जाता है कि आप सिग्नल से दूर चले जाते हो, जस्ट मैंने बताया ना कि कभी कभी आपका नेटवर्क क्या होता है, कभी कभी आपका नेटवर्क वीक हो जाता है, तो वीक क्यों होता है, वीक इसीलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि आप नेटवर्क से या सिग्नल से दूर चले जाते हो, लेकिन सेटेलाइट फोन तो ऊपर ही आपके है तो वहाँ पे कोई सिग्नल का इशू होता ही नहीं। अगर आप फ्लाइट से मान लेते उड़ रहे होते ऊपर आसमान में भी, तो आप कहाँ पे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे होते हैं, आप यहाँ भी इस पर्सन पे, यहाँ पे ये पर्सन होता, ठीक है, तो आप देखो सेटेलाइट्स के नीचे ही रहोगे जब भी, तो सेटेलाइट्स तो हमारी पृथ्वी के बाहर खड़ी होती हैं, राइट, लगी होती हैं, राइट, हमारी पृथ्वी ऐसी है तो ये देखो सेटेलाइट्स बाहर लगती हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो यहाँ पे हमारी सारी चीजें होती हैं, राइट। तो आप देखो जितनी सेटेलाइट्स भेजी सब यहाँ पे होती हैं, लेकिन जब जबकि आप आसमान में उड़ते हो तो कहाँ उड़ते, पृथ्वी के अंदर ही तो इतनी ऊंचाई पर उड़ते हो, जबकि आपका टावर यहाँ पे होता है। बेसिकली ऐसे ये सारी सिग्नल्स चीजें काम करती हैं, जैसे हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब कांडला पोर्ट कहाँ पे ये भी देख लेते हैं दोस्तों, कांडला की बात करें दोस्तों तो कांडला का ही नाम दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है, ये भी याद रखेंगे, कहाँ पे, गुजरात में, तो ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब देखो वहाँ पे सेटेलाइट फोन मिला तो इसलिए सिक्योरिटी को हमारे हमारे ब्रीच कर सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा सा संज्ञान लिया। बेसिकली देखो हमारा एक पाकिस्तान से सर्किल का विवाद है, तो कभी कभी पूछ ले कि सर्किल किन किन के बीच की सीमा का विवाद है, तो याद रखिएगा इंडिया का जो गुजरात राज्य है वहाँ, और पाकिस्तान का सिंध वाला एरिया, ठीक है। एक्चुअली क्या कि एक एक तो ये देखो ऐसे जैसे समुद्र से लगा हुआ रास्ता है, ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारा जो बॉर्डर है ये वाला है, ठीक है, इंडिया क्लेम करता है कि नहीं ये वाला बॉर्डर नहीं, ये बीच वाला बॉर्डर रहेगा, ठीक है। बेसिकली लड़ाई ये है कि जो सर्किल है, मान लेते हैं ऐसे है, सर्किल मतलब ये इनका जमीन है पूरा इधर का, इधर इंडिया के बॉर्डर है, लेकिन ये क्या है कि पूरा दलदल एरिया है, ठीक है, और ये सूख भी जाता है, सूखता नहीं, दलदल हो जाता है, कभी पानी जब पानी बढ़ कभी पानी बढ़ जाता है, बाकी टाइम दलदल के फॉर्म में रहता है, तो इसमें कोई एक्टिविटी हो नहीं पाती है। बेसिकली इंडिया कहता है कि देखो जो बॉर्डर बनेगा या तो बीच से बनेगा, नहीं तो ये हमारा यहाँ तक पूरा हमारा एरिया, तुम्हारा बॉर्डर यहाँ से है,
पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है नहीं, हमारा बॉर्डर यहाँ से है। बेसिकली कहाँ से है? हमारा बॉर्डर यहाँ से है। इंडिया कहता है नहीं, हमारा तुम हमारा बॉर्डर यहाँ से है। बेसिकली इंडिया कहता है चलो ठीक है, बीच 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 में मान लेते हैं दोनों का। फिर पाकिस्तान कहता है नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो सर्किल विवाद याद रखिए, किसके किसके बीच है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। क्योंकि देखो होगा क्या, यूपीएससी अब सारे लोग पढ़ेंगे पारादीप पोर्ट, राइट, दीनदयाल कांडला कहाँ है, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन जो आप मिस कर दोगे, देखो मैं उस मिस कॉन्सेप्ट की तरफ ले जा रहा हूँ, जहाँ आप चीजें मिस कर जाओगे, ठीक है? तो वहाँ पे मिस ना करो, ठीक है? तो आप हिट कर पाओ एग्जाम में। बेसिकली मेरा पर्पज दोस्तों ये है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा गुजरात का पोस्टमार्टम भी कर लेते हैं, ठीक है? तो गुजरात की बात करें, देखो यहाँ दो प्लेसेस याद रखिएगा, कई बार यूपीएससी पूछ लेता है, ठीक है? तो कांडला के अलावा भी याद रखेंगे क्या, एक तो गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है, तो ये याद रखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और गल्फ ऑफ खम्बात, तो ये दोनों कहाँ पे है? दोनों आपके गुजरात से लगते हैं, ठीक है? गुजरात की कैपिटल याद रखेंगे गांधीनगर, ठीक है? और उसके अलावा बात करें, देखो दमन और दीव, देखो दमन यहाँ पे है, और सॉरी दमन दीव यहाँ पे है, और दादा नगर हवेली यहाँ पे है। तो ये याद रखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। दमन यहाँ पे है, दीव यहाँ पे है, और दादा नगर हवेली यहाँ पे है। तो आप यूटी पढ़ते हो ना, दमन दीव एंड दादा नगर हवेली। तो दमन देखो यहाँ पे है, दीव यहाँ पे है, और दादा नगर हवेली यहाँ पे है। तो ये भी चीज याद रखेंगे। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य, सॉरी गुजरात के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीन राज्यों से इसका बॉर्डर लगता है। जस्ट यहाँ पे देखेंगे इधर, ठीक है? ये तीन राज्यों से बॉर्डर लगता है। तो बेसिकली याद रखिएगा, और कांडला पोर्ट भी याद रखिएगा, वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट है, मतलब जेएनपीटी के बाद भी। तो याद रखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी जाता है। इसके अलावा क्या याद रखना है, गिर वन्य जीव अभयारण्य, जो एशियाटिक लॉयन जिसको बब्बर शेर कहते हैं ना, ऐसे देखते हो ये वाले, तो ये बब्बर शेर ही पे पाए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभयारण्य कहाँ पे है, जिसको ब्लैक बक नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये सारे आपके गुजरात में है। डांस तो आपने सुना होगा, गरबा डांडिया, तो याद रखिएगा गरबी रास, ठीक है? बाकी भी आप जस्ट याद रखिएगा, बस आपको गरबा डांडिया तो एटलीस्ट याद ही रखना है। स्टेटहुड का दर्जा दोस्तों 1960 में मिला था, कैपिटल गांधीनगर है, और यहाँ पे इनका एक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ठीक है? तो याद रखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट से कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है? तो गुजरात यहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा जंगली गधे पाए जाते हैं, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है? तो ये याद रखेंगे, ग्रेट कच्छ अपहरण क्या है, वन्य जीव सॉरी आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है? तो ये बेसिकली याद रखेंगे। उसके अलावा बात करें तो वेटलैंड्स की, तो वेटलैंड्स में बात करें देखो, तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है कहाँ पे, गुजरात में। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे नल सरोवर बर्ड सेंचुरी भी है, जो रामसर साइट्स है। टोटल रामसर साइट्स कितने आप बता सकते हैं? टोटल 7 हो गए, 37 हो गए सॉरी, ठीक है? 27 था 1 अप्रैल या 31 जनवरी 2019 को दोस्तों, एक ऐड हुआ था आपका सुंदरबन, उसके बाद रिसेंटली अभी 10 ऐड हुए हैं। 10 में कौन कौन से राज्य हैं जैसे आपको ये याद रखना है, ठीक है? एक तो पंजाब में है, ठीक है? और आपके 6 कहाँ, यूपी में है, और आई थिंक एक आपका 6 तीन नहीं 3 पंजाब में है, 6 यूपी में है, और एक महाराष्ट्र में है। अब देखो मैंने बता दिया, अब आपका काम है इसको 6 के 6 को खोजना है कि कहाँ कहाँ पे बना है, क्या क्या है नाम उनका, ठीक है? अब भारत नॉर्वे डायलॉग, तो भारत और नॉर्वे के बीच कुछ समझौता होगा, बेसिकली बात यही है। अब आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोस्तों किसमें क्या समझौते हुए, थोड़ा अगर हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है तो याद रखिएगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है दोस्तों, ठीक है? इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है, बेसिकली नॉर्वे के द्वारा। और दूसरा ये कि प्लास्टिक जो जो कूड़ा होता है ना, उसका मैनेजमेंट के लिए हम नॉर्वे से हेल्प लेंगे, ठीक है? तो बेसिकली ये चीज़ याद रखना है। दूसरा ये कि नॉर्वे का आपको पोस्टमार्टम करना है। 2008 में दोस्तों हमने नॉर्वे में पहला अपना आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री खोला था, तो ये भी याद रखिएगा, हिमाद्री पूछ सकता है कि क्या है, तो याद रखिएगा आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है, कहाँ पे है हमारा, ये नॉर्वे में है, तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जिसका नाम हमने हिमाद्री रखा था, तो याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने पहला अंडर वाटर वेधशाला भी नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच में खोला था, ठीक है? तो नॉर्थ पोल कहाँ होता है, अगर इंडिया का मैप बनाओगे पूरा, ठीक है, ऐसे वर्थ अर्थ का बनाओगे, तो इसको ऊपर वाले को नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं, और नॉर्वे वगैरह देखो तो यहाँ पे आ जाते हैं, और इंडिया अपना इधर आ जाता है, ठीक है? तो ये जस्ट याद रखेंगे, नॉर्थ पोल ऊपर वाले को बोलते हैं और नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो नॉर्वे की अगर बात करें देखो, तो नॉर्वे में क्या क्या चीजें हैं जरा देख लेते हैं एक बार। पड़ोसी अगर इसके देश की बात करेंगे दोस्तों, तो पड़ोसी आपका कौन कौन आ जाता है नॉर्वे की बात करेंगे, तो देखो नॉर्वे के पड़ोसी कौन कौन से आ जाते हैं, इधर देखोगे तो आपका स्वीडन आ जाता है, और इधर आपका फिनलैंड आ जाता है, और इधर थोड़ा सा रशिया से बॉर्डर लगता है, ये मिस मत करिएगा, रशिया से बॉर्डर लगता है, बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं इसको, ठीक है? कैपिटल की बात करें तो ओस्लो इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा, ठीक है? बर्गेन, ये थोड़े से प्लेसेस याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, प्लस स्कैंडिनेवियन माउंटेन का भी पार्ट है, तो ये भी याद रखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें जस्ट याद रखेंगे, प्लस नॉर्थ सी से बॉर्डर लगता है, इधर अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर लगता है, या नॉर्वेनियन सी से बॉर्डर लगता है, तो ये आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है, ठीक है? तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे नॉर्वे के बारे में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 या 2 कह सकते हो। तो स्वच्छ भारत मिशन का देखो सेकंड फेज लॉन्च किया गया। अब कहने के लिए तो दोस्तों ये 2014-15 का प्रोजेक्ट है, लेकिन यूपीएससी अभी भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट इसका रिलीज किया गया है। तो दोस्तों 2024-25 के लिए मंजूरी मिल गई है। पर्पज क्या है दोस्तों, अभी तक क्या था कि हम क्या कर रहे थे, ODF फ्री बना रहे थे। ODF मतलब खुले में शौच मुक्त बना रहे थे। अब ODF प्लस की बातें कही जाती हैं, ठीक है, जिसमें कि जो सार्वजनिक शौचालय वगैरह होते हैं उसको भी स्वच्छ करना, प्लस सार्वजनिक टॉयलेट वगैरह होते हैं उसको भी स्वच्छ करना, ठीक है। अब उसके उससे बढ़कर हम आगे अब बढ़ रहे हैं, क्या प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक का प्रबंधन करेंगे, मतलब जो कचरा वगैरह फैलाते हैं अब उसको खत्म करना है, प्लस पशु के जो अपशिष्ट होते हैं उसको भी इसमें क्या करना, प्रबंधित करना है, ठीक है। जो अपशिष्ट का भी प्रबंधन करना है, तो गोबर वगैरह का भी क्या करेंगे, प्रबंधन करेंगे, प्लस जो जल की कमियां हो जा रही है, जल बंजर होते जा रहा है, उसका भी प्रबंधन करता है, और कीचड़ प्रबंधन भी करता है, ठीक है, जो मलयुक्त कीचड़ होते हैं उसका भी प्रबंधन करना, अब ये गवर्नमेंट का प्लान हो रहा है। तो बेसिकली ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। बजट देखो हमारे 1,40,000 करोड़ में से 52,000 करोड़ के आसपास इसमें दिया गया है, ठीक है, पेयजल और स्वच्छता को दिया गया इसमें से, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिएगा, तो इसमें बेसिकली हम लोग 52 जो आपका 1,40,000 करोड़ जो आवंटित हुए थे, 881 करोड़, उसमें से 52,497 करोड़ रुपए हम पेयजल और स्वच्छता विभाग में क्या करेंगे, बजट को आवंटित करेंगे, बेसिकली ये पर्पज था, ठीक है। तो देखो इस स्कीम की बात करें दोस्तों, गांधी जयंती के दिन आपको पता है कि 2014 में, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा लेकिन बहुत ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि गांधी जयंती के दिन इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना बना चुके हैं हम लोग, और 2 अक्टूबर 2019 को हमने ODF फ्री घोषित कर दिया, ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त भारत को घोषित कर दिया गया था, कब दोस्तों, 2 अक्टूबर 2019 को, तो रिसेंटली की बात है, तो आप ये याद रखिएगा। और बेसिकली 2.0 की बात करें या स्वच्छ भारत मिशन 2 की बात करें, तो बेसिकली इसका पर्पज क्या है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन करना मेनली इसका पर्पज है, तो ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब पैकेज की बात करें दोस्तों, तो जिन्होंने वीडियो पैकेज नहीं लिया है दोस्तों, अभी भी टाइम है, आप ले सकते हैं, ठीक है। हमारा एनसीईआरटी का वीडियो पैकेज दोस्तों 1999 का, पॉलिटी का पैक 1899 का, हिस्ट्री का ये है, एसए का ये है, क्रैश कोर्स ये है। एक चीज याद रखिए, वीडियो का आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, आप इसको वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा, ठीक है, आप जब चाहे तब वीडियो को देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है, और वैलिडिटी आपको इसमें लाइफ टाइम भी मिलेगी, जब तक आप चाहे तब तक देख सकते हैं। कॉम्बो पैक 1, कॉम्बो पैक 2, कॉम्बो पैक 3, कॉम्बो पैक 4, ठीक है। तो इसमें हमने सारे सब्जेक्ट प्लस प्लस कर रखे हैं, तो आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट है। उसके बाद हमारा हिंदी का एक्चुअल डिस्कशन भी, आप वो भी चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप इसमें हमें संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट मेथड की बात करें दोस्तों, तो हमारी वेबसाइट से भी आप जाके पेमेंट कर सकते हैं। जो लोग वेबसाइट से पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि हमें इजी वे और दीजिए, तो आप हमें फोनपे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई से भी इसी नंबर पेमेंट कर सकते हैं, या हमारे अकाउंट में भी फी पे कर सकते हैं। उसके बाद करना क्या है, दो पेमेंट करने के बाद दोस्तों, पेमेंट की भुगतान रसीद, उसके बाद अपना नाम और मोबाइल नंबर, हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, या फिर हमें ईमेल कर सकते हो, या इसी नंबर पे हमें टेलीग्राम कर सकते हो। तो आपके पास जो भी सुविधा है आप हमें कर सकते हो, विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर दोस्तों आपको हमारे PBM नंबर से मैसेज आ जाएगा, ठीक है, और आप आराम से सारी वीडियोज को देख सकते हो, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और जिनको बुक्स वगैरह मंगानी हो दोस्तों, आप राजेश बुक स्टोर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको ये सारी बुक्स मटेरियल हिंदी इंग्लिश जो भी चाहिए आपको सारा का सारा ये, ठीक है, कोरियर के थ्रू भेज देंगे, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको मंगाना है तो मटेरियल आप इनसे डायरेक्टली मंगा सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कोर्स के लिए दोस्तों, आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। याद रखिएगा, जितनी सारी हमने चीजें लिख रखी है वो सारी सुविधाएं आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।